हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक इन योर ईवीएस क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 12 एंड द टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज चेंजिंग टाइम। टाइम चेंज कैसे कैसे किसी की लाइफ में कैसे चेंजेस होते हैं, तो दिस इज द स्टोरी ऑफ चेतन दास। चेतन दास ने बताया कि ये 60 ईयर्स पुरानी बात है। जब वो 9 ईयर्स का था तो उन्हें अपना होम छोड़ना पड़ा, विलेज छोड़ना पड़ा। उसके पापा ने उन्हें बताया कि हमें दूसरी जगह जाना है। आपके भी जब घर में पापा का या किसी का ट्रांसफ़र होता है तो आप दूसरी जगह जाते हो ना, तो आपको बहुत दुख होता है कि आपके फ्रेंड्स छूट जाएंगे। तो इसी तरह चेतन दास ने बताया कि 60 ईयर्स पुरानी बात है और जब मैं 9 ईयर का था तो उनके मामा ने बताया कि हमें भी अब दूसरी जगह जाना है क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो वो लोग पहले कहाँ रहते थे? डेरा गाजी खान में। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है, फिर उनको विलेज छोड़नी पड़ी, उन्हें दूसरी जगह जाना था। तो चेतन दास वॉज सैड टू लीव माई हाउस, बहुत उदास था वो अपना गांव छोड़ के, है ना, क्योंकि वहाँ पे उसके बहुत फ्रेंड्स वगैरह थे। तो बाबा, अम्मा, उनकी यंगर ब्रदर, सिस्टर, वो सभी लोग एक ट्रेन से दिल्ली के पास आए और वहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग वहाँ से जा रहे थे। तो उन लोगों ने किसी से सुना कि वो कह रहे थे कि जो हमारी कंट्री है वो डिवाइड हो रही है 2 पार्ट में, इंडिया एंड पाकिस्तान। मेनी पीपल फ्रॉम इंडिया, जो कुछ तो पाकिस्तान की तरफ गए हैं ना और कुछ इंडिया की तरफ। तो उस समय चेतन दास और उसकी फैमिली जो थी पहले कैंप में रुके, वहाँ पे एक बड़ा सा टेंट लगा दिया गया और वहाँ पे बड़े से ग्राउंड में बड़ा सा टेंट, और वहाँ पे वो लोग रहने लगे। वन डे बाबा टोल्ड अस, एक दिन उनके बाबा ने उनको बताया कि अब हमें कुछ ज़मीन मिल रही है और हमें वहाँ जाके रहना है। तो वो लोग वहाँ पे गए, बहुत खुश हुए कि चलो हमें ज़मीन मिल रही है, हम लोग अब वहाँ पे नया मकान बनाएंगे। तो वो लोग वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद उनको उन्होंने बाबा ने डग द सॉइल एंड क्विकली फिल्ड द पैंस एंड पास देम ऑन टू अम्मा। तो इस तरह से सारे लोग मतलब मिल के उन्होंने वहाँ पे काम किया। बाबा जो थे उन्होंने वॉल्स बनाई, है ना, और चेतन दास ने क्या बोला कि वी बॉट काउडंग, वो लेके आए वहाँ से, है ना, काउडंग केक्स वगैरह लेके आए। उससे उन्होंने उसको मिक्स करके मड में, और उससे उन्होंने क्या किया, फ्लोर को, जैसे आपने पहले के कच्चे हाउस देखे ना जो मड से मिट्टी से लीपापोती करते हैं, तो उन्होंने वैसे काउडंग केक और मड को मिक्स करके उन्होंने अपना फ्लोर को रेडी किया। तो इस तरह से उसके बाबा ने उसको बताया कि इस चीज़ों से हम जब मड और काउडंग केक लगाएंगे ना के लेप करने से, तो उनसे इंसेक्ट जो है वो दूर रहेंगे। दिस इज अ पिक्चर ऑफ हमारी इंडिया का मैप है, और हमारा इंडिया कब, आप कब फ्रीडम हुआ था, कब आज़ादी मिली थी हमारे देश को, कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। ओके, नाउ इट वाज द टाइम फॉर द रूफ टू बी, अब उन्होंने फ्लोर बना लिया, अब उनको रूफ बनानी थी, छत तो चाहिए ना आप घर में, नहीं तो बारिश का पानी नहीं आएगा घर में, ठंड भी लगेगी हमें। तो उन्होंने रूफ बनाने के लिए क्या किया, वहाँ पे उन्होंने लकड़ियाँ ली, उन्होंने उसको ज्वाइन करके फ्रेम तैयार किया, और फ्रेम तैयार करने के बाद उन्होंने कौन सी लकड़ी ली, नीम और कीकर की, और उससे फ्रेम तैयार किया। उन्होंने बताया कि जो इनकी लकड़ियाँ होती है ना वो टर्माइट्स होती है, उन लकड़ियों को नुकसान नहीं पहुँचाती है। फिर इस तरह उन्होंने उसकी अपने मकान की छत तैयार की और उसको बड़े बड़े बैग्स वगैरह, गनी बैग्स वगैरह से उनको कवर किया। तो इसने चेतन दास ने बताया कि मोस्ट ऑफ द हाउसेस, बहुत सारे जो हाउसेस थे उनके घर के आसपास वो इसी तरह के बने थे, लेकिन कुछ डिफरेंट भी थे। अब है कि फाइंड आउट एंड राइट, टॉक टू एनी वन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, आप किसी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या किसी घर में बड़े से आप ये पूछो कि जब वो 9 ईयर ओल्ड के थे तो वो कैसे मकान में रहते थे, कच्चे में, पक्के में, है ना, हाउस तो डिफरेंट टाइप के होते हैं ना। आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी बनने लग गई है, और उस मकान में क्या क्या मटेरियल लगा, है ना, डिड दे हैव ए टॉयलेट इन देयर हाउस, उस घर में टॉयलेट था कि नहीं था, है ना, इन विच पार्ट ऑफ द हाउस वाज फूड, उस हाउस के किस पार्ट में खाना बनाया जाता था। अ लॉट ऑफ मड वाज यूज्ड व्हेन चेतन दास हाउस, जब चेतन दास ने अपना घर बनाया तो उसने बहुत सारा मड यूज़ किया। क्यों यूज़ किया? क्योंकि उस मड से जो वो एरिया होता है ना, वो उनसे उनको ठंडक मिलती है ना। ए चेंजिंग हाउस, धीरे धीरे टाइम पास होता गया। चेतन दास ने बताया कि उसने अपनी स्टडी फिनिश की,
है ना, उनको एक जॉब मिल गई। अम्मा बाबा चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए, लेकिन उसने बोला कि जब शादी हो जाएगी तो उसने सोचा कि पहले अपना घर तो ठीक करवा लूँ, है ना, एक नया रूम तो बने, अगर नई दुल्हन आएगी तो कहाँ रहेगी। तो फिर धीरे धीरे टाइम चेंज होता रहा, है ना, पीपल जो सिटी में लोग बाग रहते थे वो सीमेंट यूज़ करने लगे थे। तो इस तरह से उन्होंने फिर पहले के टाइम जो ब्रिक्स, ब्रिक्स मीन्स ईंट, वो बेक नहीं होती थी, कच्ची ईंटें होती थी, क्योंकि उस समय इतनी इन्वेंशन नहीं हुआ था, इतनी भट्टियाँ नहीं थी ना, कि कैसे होगा कुछ पता नहीं था लोगों को। तो उन्होंने अनबेक्ड ईंटों से उन्होंने अपना एक नया रूम बनाया, और उसके बाद धीरे धीरे वॉल बनाई, है ना, ब्रिक्स की। फिर धीरे धीरे उन्होंने उस वॉल को कोट किया, प्लास्टर कहते हैं ना जिसको, है ना, फिर वाइट वॉश होने लगी वॉल पे। आपके घर में भी दीपावली वगैरह पे वाइट वॉश कराते हैं ना, अगर वो कच्ची होगी तो कैसे वाइट वॉश होगी, है ना, मड वाली पे तो नहीं करते मोस्टली। तो इस तरह से उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा स्मॉल किचन भी बना लिया कोर्टयार्ड में, वहाँ पे एक मड चूल्हा रख लिया, मिट्टी का चूल्हा होता है ना, बर्तन रखने की जगह बना ली। फिर उसकी शादी हुई, और उसकी जो वाइफ थी उसका नाम था सुमन, वो नए घर में आई, है ना, और वो किचन में फ्लोर पे बैठ के वो खाना बनाने लगी। तो और वहाँ पे सब लोग एक साथ बैठ के, आजकल के लोग तो डिनर टेबल पे बैठ के खाते हैं, लेकिन पहले वो लोग नीचे फर्श पे मैट या कुछ बिछा के वो खाना खाते थे। और जो लोग थे वो टॉयलेट के लिए फील्ड वगैरह में यूज़ करते थे, पर इन्होंने क्या किया कि अपने घर में ही एक छोटा सा घर के पीछे ब्रिक्स वगैरह का एक टॉयलेट, छोटा सा रूम बना लिया। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ मट चूल्हा। ये पहले के टाइम ऐसा चूल्हा चलता था, आप देखो इसमें वुड वगैरह डाल के, है ना, रोटी बना रही है, और ये कच्चा हाउस हो गया। तो इस नाउ टाइम चेंज, अब चेतन दास की लाइफ में और टाइम चेंज। फिर उसके दो बेटे हुए, एक बेटी हुई, है ना, टाइम धीरे धीरे चेंज होता गया, उन बच्चों ने भी अपनी स्टडी पूरी कर ली। फिर उसकी डॉटर थी सिमी, उसकी शादी हो गई, और वो शादी हो गई तो वो दूसरे शहर चली गई पलवल, है ना। फिर उसके बेटे की शादी हुई तो उसने सोचा कि अरे ये घर तो बहुत छोटा है न्यू ब्राइड के लिए, फिर उसने सोचा कि अब इसमें एक रूम और बनाना पड़ेगा। फिर तब तक कुछ इन्वेंशन होने लगे थे, जो ब्रिक्स थी कच्ची थी, टूट जाती थी जल्दी, वो आग में इस तरह भट्टी में बेक होने लगी, और बेक होने लगी तो वो स्ट्रांग हो गई। तो फिर उन्होंने बेक्ड ब्रिक का यूज़ करके फिर उन्होंने एक रूम और बनाया, है ना। धीरे धीरे मार्बल के फर्श बनने लगे, चिप्स के फर्श बनने लगे, तो उन लोगों ने मार्बल चिप्स बनाया, सीमेंट लगाया, फैंसी फ्लोर बनाया, टॉयलेट में भी उन्होंने पाइप्स वगैरह यूज़ की ताकि जो वेस्टेज है वो ड्रेन हो सके। किचन भी उन्होंने बड़ा बना लिया। तो अब जो राजू की वाइफ, चेतन दास की जो बेटी की मैरिज हुई थी ना, तो वो जो पहले चूल्हा यूज़ होता था, लेकिन अब वो गैस पे बनाने लग गई खाना। आपके मामा भी गैस पे बनाती है ना खाना। नाउ न्यू थिंग्स, अब क्या है कि उनका छोटा बेटा एक और था ना मोंटू, छोटा बेटा उसका मोंटू, उसको दूसरे शहर में जॉब मिल गई, है ना, उसको दूसरे शहर में जॉब मिल गई, तो उसको दूसरी जगह जाना था दिल्ली में, तो वो दिल्ली शिफ्ट हो गया। तो सुमन एंड वो, उसने बताया कि हम कुछ टाइम मोंटू के पास रहते हैं, कुछ टाइम हम दूसरे बेटे के पास रहते हैं। फिर उन्होंने बताया कि जब वो जा रहे थे ना, जाते थे सोना विलेज, तो उनको रास्ते में गुरुग्राम पड़ता था, तो वहाँ पे उनको खूब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखती थी। तो उन्होंने कहा फिर कि देखो मेरी लाइफ पे कितने चेंज हुए हैं। चेतन दास ने बताया, पहले मैंने कच्चा घर था हमारा, फिर हमने अनबेक्ड ब्रिक्स से मकान बनाया, फिर हमने टॉयलेट बनाया, किचन बनाया, अब धीरे धीरे हमने बेक्ड ब्रिक्स से काफ़ी रूम्स बना लिए। तो उन्होंने बताया कि मैंने मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस दिखे हैं, मेरे घर में इतने चेंजेस हुए हैं कि मैंने टाइम टू टाइम मकान में चेंजेस होते रहे। अब व्हाट मटेरियल हैव बीन यूज इन मेकिंग योर हाउस, आपका घर बनने आने में कौन सा मटेरियल यूज होता है, आप बताओ, ब्रिक्स है, सीमेंट है, कॉन्क्रीट है, मार्बल, टाइल्स, आयरन रॉड्स, बहुत सारी चीज़ें की नीड होती है घर बनाने के लिए। फाइंड आउट द मटेरियल फ्रॉम विच योर फ्रेंड्स हाउस, आप अपने फ्रेंड से पूछो कि उसका घर किस मटेरियल का बना है। वॉट काइंड ऑफ हाउस डू यू थिंक चेतन दास ग्रैंड चिल्ड्रेन विल लिव इन, अब ये फ्यूचर की बात हो रही है कि चेतन, आप ये सोच के बताओ कि जब चेतन दास के बेटे ने इतना अच्छा मकान बना लिया, जब उसके बेटे के बेटे होंगे, तो धीरे धीरे तो लाइफ चेंज हो रही है, तो वो तो पता नहीं और बंगलों में रहेंगे, किस मकान में रहेंगे, है ना। धीरे धीरे मनी या अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें
करनी पड़ती है, चेंजेस होते रहते हैं। वेयर वुड यू लाइक टू लिव व्हेन यू ग्रो अप? जब आप बड़े हो जाओगे तो आप कहाँ रहना पसंद करोगे, आप किस तरह का हाउस चाहोगे, आप बताओ, बड़े बंगला या किस टाइप का, आपको बताना है ना। नाउ हियर आर पिक्चर, आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही है, आपको बताना है कि यहाँ पे किस कौन कौन काम कर रहा है और ये क्या काम कर रहे हैं। आपको दिख रहा है ना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो आपने देखा होगा सीमेंट सैंड वगैरह मिक्स हो रहा है, तो उसके लिए वो क्या टूल्स मीन्स औजार, क्या सामान यूज कर रहे हैं, हैमर स्पेड आयरन पेंस सॉरी उसको क्या कहते हैं, मेसन मिस्त्री, फिटिंग ऑफ पाइप, जो पाइप की फिटिंग कर रहे हैं घर में उसको क्या चाहिए, पाइप कटर चाहिए, प्लायर्स चाहिए, उनको हम कहते हैं प्लम्बर। आपके घर में भी नल वगैरह ठीक करने आते हैं ना, नल की फिटिंग करते हैं, उनको हम कहते हैं प्लम्बर। इलेक्ट्रिक की फिटिंग, जो बिजली की फिटिंग करता है सॉरी उनको स्क्रू ड्राइवर वगैरह चाहिए और उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, अब नाउ व्हाट इज बीइंग बिल्ट देयर, आपको बताना है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, हमें तो पिक्चर में कंस्ट्रक्शन वर्क दे रहा है दिख रहा है। हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग देयर, कितने वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, 5-6, व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर दे डूइंग, किस प्रकार का काम कर रहे हैं। तो मेजन कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, प्लम्बर फिटिंग कर रहा है, इलेक्ट्रीशियन है ना इलेक्ट्रिक फिटिंग कर रहा है। आर एनी चिल्ड्रेन वर्किंग देयर, आपको वहाँ पे कोई बच्चा दिख रहा है क्या काम करते हुए और वो क्या कर रहा है, तो वो आपको बताना है, अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो नो, है ना। हाउ मच मनी डू दिस पीपल गेट पेड, आप इन जो ये वर्कर्स काम करते हैं इनको डेली कितना पेमेंट मिलता है। तो ये तो अब आप कुछ भी लिख सकते हो कि मेजन को 450 मिलता है, प्लम्बर को 250 मिलता है, कुछ भी। वेयर डू दिस पीपल लिव, ये लोग कहाँ रहते हैं, तो जब कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो कुछ लोग तो वहीं पे ही रह लेते हैं पास में टेंट लगा के कंस्ट्रक्शन प्लेस पे, कुछ अपने घर चले जाते हैं और दूसरे दिन फिर काम के लिए आते हैं। सॉरी, व्हाट आर द मटेरियल्स बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग द बिल्डिंग, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू क्या क्या बिल्डिंग में बनाने में मटेरियल यूज होता है, तो वही वुड सीमेंट सैंड आयरन रॉड ब्रिक्स स्टोन चिप्स बहुत सारी चीज़ें यूज होती हैं। ट्राई एंड गेस हाउ मेनी ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स, आपको ये आइडिया बताना है कि यहाँ पे इस बिल्डिंग को बनाने में कितने ब्रिक्स यूज होगी, कितने सीमेंट यूज होगा। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, अप्रॉक्स 100 बैग्स ऑफ सीमेंट, 5000 ट्रक ऑफ ब्रिक्स, कुछ भी जो। हाउ डू द मटेरियल रीच द बिल्डिंग साइट, बिल्डिंग साइट जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे मटेरियल कैसे पहुँचता है, तो बाय ट्रक, टेम्पो, हैंड कार्ट, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। फाइंड आउट द प्राइस ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट, वन बैग सीमेंट एक पूरा कट्टा आता है ना सीमेंट का, वो आप कुछ भी लिखिए 500 रुपीज, वन ब्रिक एक ईंट कितनी की आएगी, 5 रुपीज 6, एंड वन ट्रक, एक ट्रक, ट्रक तो बड़ा होता है ना, उसमें बहुत सारा सामान आता है, तो आप कितने रुपए का आएगा, आप कुछ भी लिख सकते हो, 2000 3000, है ना। नाउ यहाँ पे आपको 4 हाउसेस दिख रहे हैं, ये चेतन दास की लाइफ में क्या क्या चेंज हुए और उसका किस किस कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करके उसने अपना मकान बनाया, तो बता रहा है कि जब सबसे पहले हम लोग कच्चे मकान में रहते थे, जो मट का, बैम्बू का, स्ट्रॉ का, रोप इन सब का बना था, फिर हमने वुड यूज़ किया, बोल्ट, आयरन रॉड, हमने जब नया रूम बनाया फिर हमने सीमेंट भी यूज़ करना शुरू कर दिया, वुड सैंड है ना, मार्बल वगैरह, और जब हमने लास्ट में बेटे की शादी के टाइम हमने फिर मार्बल के यूज़ किया, चिप्स बनाया। तो इस तरह से चेतन दास बता रहा है कि उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कच्चा हाउस, और ये बेक्ड ब्रिक है ना, ब्रिक को जब भट्टी में आग में हम पकाते हैं ना, तो ये बहुत स्ट्रांग हो जाती है, ये जल्दी से टूटती नहीं है। और आपको नीचे किसकी पिक्चर दिख रही है, पक्का हाउस की, धीरे धीरे उन्होंने पक्का हाउस बनवा लिया। पहले बड़े बड़े शहरों में तो आपको 24 जितनी ऊंची बिल्डिंग दिखती होंगी, पहले चूल्हे पे खाना बनता था, फिर स्टोव पे बनने लगा, और अब आजकल गैस पे बनने लग गया, ये 2 बर्नर्स वाले गैस है, 4 बर्नर वाले भी होते हैं, 3 बर्नर, आपकी मम्मा भी बनाती है ना गैस पे, आपकी मम्मा तो अब बनाती नहीं चूल्हे पे, क्योंकि धीरे धीरे न्यू इन्वेंशंस होते रहते हैं। तो हमें इस तरह से लाइफ में हमारे चेंजेस होते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बाय बाय, टेक केयर ऑलवेज।